चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और खबर रायपुर से देखेंगे। जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग और कवर्धा में 14 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग से 8 और कवर्धा से 6 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 57 हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। इस तो एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सुप्रिया पांडे जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। 14 और नए मरीज पाए गए हैं। सुप्रिया जी, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर जैसे ही जो स्थिति है वो नियंत्रण होती दिखाई देती है, तो वैसे ही पॉजिटिव मरीज जो है वो मिल जाते हैं। कल ही जो है एक दो नहीं बल्कि 14 लोगों में वायरस की पुष्टि की गई। इनमें से 8 जो है वो दुर्ग जिला और 6 कवर्धा के रहने वाले हैं। सभी पड़ोसी राज्यों में फंसे हुए थे और किसी तरह सीमाएं पार कर छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हुए थे, जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया था और होम क्वारंटाइन सेंटर के दौरान उन्हें मतलब उनका जो टेस्ट किया गया है वो पॉजिटिव पाया गया। तो अभी सभी को जो है रायपुर एम्स में जो है ले जाया जा चुका होगा अब तक। और साथ ही आपको बता दूं कि जो आइसोलेटेड करके सभी का जो है इलाज किया जाएगा वहां पर। और जो एम्स ने देर शाम को पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उनको ट्विटर के माध्यम से उनकी जो जानकारी है वो दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में ये था कि अब स्थिति नियंत्रित हो गई है, तो स्थिति नियंत्रण जैसे ही होती है वैसे ही पॉजिटिव मरीज के मिलने से जो है शासन प्रशासन भी एक सस्ते में आ गया है। बनी रही है, अगली खबर पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे।